खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। मुंबई के गोरेगांव की आरे कॉलोनी में जंगल के पेड़ काटने को लेकर विवाद, कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला कर सकता है या सुनवाई शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पेड़ काटने के विवाद पर सुनवाई अब होने वाली है। पेड़ काटने के मामले में पेड़ बचाने वाले कार्यकर्ता एक तरफ हैं, महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी, मुंबई मेट्रो और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है दूसरी तरफ। लॉ छात्र ऋषभ रंजन ने सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को पहुंचाया। 3 तस्वीरें आपके सामने। 2700 पेड़ काटे जाने का आदेश है, खतरे में है 2700 पेड़। 1500 पेड़ काटे जा चुके हैं और आरे में जो पेड़ हैं वो अकेले पड़ गए हैं। उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनके गंभीर आरोप हैं। ऋषभ पंत बकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख चुके हैं जिसमें साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका यानी PIL मान ली है और सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बना दी है। इस बीच इस मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, सुबह 10 बजे का वक्त था लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बेंच अभी सुनवाई के लिए नहीं बैठी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां वक्त था सुबह 10 बजे का कि 10 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी आरे मामले में, लेकिन पेड़ के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अभी बेंच नहीं बैठी है। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे संवाददाता अंकित के पास, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पल पल की अपडेट देने के लिए मौजूद है। अंकित हमारे साथ है, इसके अलावा रेणु हमारे साथ मुंबई के गोरेगांव से आरे के करीब है, उनसे ग्राउंड जीरो का हाल जानेंगे। और दीपेश हमारे साथ मुंबई से मौजूद है, क्या राजनीति हो रही है दीपेश बताएंगे हमको। लेकिन सबसे पहले अंकित बताइए, सुनवाई कब होगी? ये उम्मीद की जा रही है अगले 5 मिनट के आसपास कभी भी बेंच बैठेगी, उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। हालांकि जो मामले से जुड़े हुए जो वकील हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता वो पेश हो रहे हैं, उसके अलावा जो वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह है वो मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से, और इसी तरीके से संजय हेगड़े जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से। और इस सबके बीच में एक बड़ी खबर कि जज कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं, यानी कि मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है। वकील पहले से मौजूद थे और जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, तो सुनवाई किसी भी वक्त शुरू होने वाली है जी। अंकित आप लगातार नजर बनाए रखें, बड़ी खबर। दर्शकों को बता दें अभी अभी जो जानकारी अंकित ने दी है वो ये है कि जज कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं, किसी भी वक्त इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। पल पल की जानकारी रेणु चौधरी भी ग्राउंड जीरो से हमें दे रही हैं। रेणु, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं लेकिन आरे के जंगल, आरे के पेड़ तो खुद ही ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, ऑक्सीजन दिलाने के लिए लोग उनके सड़कों पर हैं। ग्राउंड जीरो पर आप क्या हालात भांप पा रही हैं? क्या वहां लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे पेड़ काटे जाने का, उनके बीच एक आस जगी है सुप्रीम कोर्ट से? तो मैं आपको ग्राउंड जीरो का हाल बताना चाहूं तो हम लगातार इसे 2 दिन से कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रेमियों में बेहद नाराजगी है। इनका केवल यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि जब हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया था और आरे को एक जंगल मानने से इनकार कर दिया गया था, तो ये बेहद नाराजगी पर्यावरण प्रेमियों में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो इस बेंच को गठित की गई है और उनका कुछ समय में फैसला आने वाला है, उसे लेकर भी पर्यावरण प्रेमियों में बेहद नाराजगी है। ऐसा कहना है पर्यावरण प्रेमियों का कि हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2700 पेड़ जिन्हें काटे जाने थे वो लगभग काटे जा चुके हैं, जिस लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी अब वो लड़ाई कहीं ना कहीं पूरी खत्म होती नजर आ रही है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि जो 2700 पेड़ों का आदेश आया था वो 2700 के 2700 पेड़ काटे जा चुके हैं, आप ये कह रही हैं? यहाँ जो पर्यावरण प्रेमी हैं कुमकुम अगर जो हम खुद आरे के अंदर जाके आए हैं, हम वहाँ पे जो रहने वाले आदिवासी हैं, स्थानिक हैं, उनसे हमने बात की है, तो उनका केवल यही कहना था कि जो आवाज उठाई गई थी 2700 पेड़ों को लेकर अब वो कहीं ना कहीं कम कर दी गई है। कहीं ना कहीं पेड़ जो है वो काटे गए हैं लेकिन इसे औपचारिक तौर पर कहीं भी ऐलान नहीं किया गया है, इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो जो पर्यावरण प्रेमी हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे। रेणु, अगर ऐसा है तो फिर ये पूरी लड़ाई ही एक तरह से बॉर्न हो गई है दीपेश, क्योंकि इस बात को लेकर अभी तक असमंजस है। इसलिए आपसे भी वही सवाल पूछूंगी जो रेणु से पूछा था, 2700 में से कितने पेड़ काटे जा चुके हैं? क्योंकि आज शिवसेना ने सामना में लिखा है कि 1500 पेड़ कट चुके हैं। दीपेश, सवाल आपसे है, कितने पेड़ कट चुके हैं, कोई जानकारी?
कुमकुम, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, पर जो आंकड़ा आ रहा है, मतलब जिस नुकसान के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तकरीबन ये कहा जा रहा है कि वो नुकसान जो है वो हो चुका है, क्योंकि पहले दिन ही जो आंकड़ा है वो 1000 के करीब था और पिछले 2 दिनों से ये कटाई जो है वो चल रही थी। इसके पहले भी कुछ पेड़ काटे गए थे, जिसके बाद से एक्टिविस्ट जो है एनवायरमेंट एक्टिविस्ट वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दी थी, जिसके बाद एक्टिविस्ट हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था, जिसके बाद से वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनको मंडे तक का समय दिया गया था, लेकिन जो कल का समय था, जो इतवार का समय था, उस समय भी पूरा दिन जो है वो काम चलता रहा और जिस नुकसान की अपेक्षा की जा रही थी या जिस नुकसान के खिलाफ ये आवाज़ एक तरह से उठाई जा रही थी, वो नुकसान एक तरह से हो चुका है। और इसीलिए जो है यहाँ धारा 144 लगाई गई थी, जिसे कुछ मामले में ढिलाई बरती गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने को है, उसे देखते हुए जो है पुलिस बल जो है वापस एक बार फिर से तैनात कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कोई रुख रखता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दीपेश, मैं चाहती हूँ आप लगातार हमारे साथ आरे से बने रहें और इस वक्त की एक और अपडेट आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब इस सुनवाई को आगे सुप्रीम कोर्ट कैसे लेती है, इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। इस मामले को ऋषभ रंजन सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, एक चिट्ठी ने सुप्रीम सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। आरे के पेड़ बचाने के लिए छात्रों की एक टीम चीफ जस्टिस से बकायदा मिलने की कोशिश कर रही थी। यह अपील करेगी कि अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कीजिए और पेड़ बचाइए। ये छात्र हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो बकायदा सुप्रीम कोर्ट गए और कहा सुप्रीम कोर्ट से कि अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कीजिए और आरे के पेड़ बचाइए। आप भरे पूरे राज्य में पेड़ लगा दें, 24 मिलियन पेड़ लगा लें, लेकिन वहाँ हर जगह का एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है। आरे जंगल जो है वो मुंबई के फेफड़े कहे जाते हैं। अगर फेफड़े को काट करके आप पूरे देह में लगा देंगे तो उससे फेफड़ों का काम नहीं होगा। आरे जंगल का एक अलग महत्व है, इसीलिए हम इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से ये जजमेंट आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान में लिया है। मैं प्रधानमंत्री और सारी सरकार से अपील करता हूँ कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो एबीपी न्यूज पर लगातार बने हुए हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, और बड़ी खबर पर बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आरे मामले पर सुनवाई जारी है। सरकारी रिकॉर्ड में आरे जंगल है या नहीं, कोर्ट इस पर फिलहाल बहस सुन रहा है। नो डेवलपमेंट जोन है, इको सेंसिटिव जोन नहीं है। कोर्ट ने यह बात कही है कि नो डेवलपमेंट जोन है, इको सेंसिटिव जोन नहीं है। आरे क्या है, इसी स्टेटस पर फिलहाल बहस चल रही है। अंकित लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बाहर मौजूद हैं। अंकित, फिलहाल शुरुआती सुनवाई में आपने क्या पाया, क्या हो रहा है कोर्ट रूम में? जी बिल्कुल, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ अहम सवाल पूछ रही है उस जगह को लेकर के, कि ये जो पूरा इलाका है क्या ये फॉरेस्ट इलाका है, क्या ये जंगल का इलाका है, क्या ये जो है एक ऐसा इलाका है जिसको लेकर के कुछ क्लैरिटी है कि आखिर ये जगह कौन सी है। इसको लेकर के कोर्ट का सवाल था कि आखिर रिकॉर्ड में ये जगह वन है या इको सेंसिटिव जोन या कुछ और। तो उस पर जो है जो याचिकाकर्ता की तरफ से एक और वकील पेश हो रहे हैं, गोपाल शंकर नारायण, उनका ये कहना है कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। तो इस पर जो कोर्ट ने पूछा है कि ये कब से है, इसको लेकर के दस्तावेज क्या है, इसके जवाब में एक जवाब दिया गया वकील की तरफ से कि 1991 के अर्बन प्लान में ये ग्रीन जोन था, यानी कि 1991 का अर्बन प्लान का जिक्र किया गया है। तो कोर्ट ने पूछा अगर ऐसा था तो फिर स्थिति में बदलाव कब हुआ, जिसके बाद में वकील की तरफ से बताया गया है कि 2012 में इसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा गया है। तो इस तरीके से ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, लेकिन तुषार मेहता ने इस बीच में जो रोका है, तुषार मेहता का कहना है ये जगह फॉरेस्ट नहीं है। और ना ही अपडेट देते रहिएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी आगे अपडेट आएगी, सुनवाई जब आगे बढ़ेगी। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आरे के कॉलोनी में पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरे में पेड़ों की कटाई पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये उन प्रदर्शनकारी, उन याचिकाकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो लगातार हफ्ते भर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, कई दिनों से सोशल मीडिया में तमाम तरह से लोगों को लामबंद कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आरे में पेड़ों की कटाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। अंकित लगातार सुप्रीम कोर्ट से बाहर मौजूद है, पल पल की जानकारी लेकर। अंकित, क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, और ये कहा है जब तुषार मेहता ने कहा कि इसको लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है, ये जो जिस तरीके की दलीलें कोर्ट के सामने आ रही हैं उससे साफ नहीं हो पा रहा है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, डेवलपमेंटल जोन है या फिर इको सेंसिटिव जोन है। तो इस तरीके की जब दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उनका यह कहना था कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्टेटस को मेंटेन कर सकती है। तो इससे यह भी समझा जा सकता है कि सरकार ने खुद कहा है कि जितना हो हंगामा हो रहा है इस पर जो है रोक लगाने का तरीका यही है कि आप इसको स्टेटस को मेंटेन कर दीजिए। और इससे हमको अभी जो वो जोड़ना होगा जो रेणु और जो हमारे जो दूसरे सहयोगी मुंबई में मौजूद है उन्होंने जिस बात का जिक्र किया था कि वहां पर लगभग जो 2600 से 2700 पेड़ों के काटे जाने की बात थी वो काम पूरा हो चुका है, और संभवतः इसी वजह से सरकार ने भी कहा कि ठीक है जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाती आप चाहें तो उसको जो है यहीं पर रोक सकते हैं यानी कि स्टेटस को कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि अब यानी कि इस वक्त के बाद से वहां पर एक भी पेड़ की कटाई नहीं होगी और ना ही कोई और गतिविधि होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे कोई आदेश नहीं देता। और इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आरे के कॉलोनी में पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आरे में पेड़ों की कटाई पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये उन प्रदर्शनकारी उन याचिकाकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो लगातार हफ्ते भर से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, कई दिनों से सोशल मीडिया में तमाम तरह से लोगों को लामबंद कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आरे में पेड़ों की कटाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। अंकित लगातार सुप्रीम कोर्ट से बाहर मौजूद है पल पल की जानकारी लेकर। अंकित, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, और ये कहा है जब तुषार मेहता ने कहा कि इसको लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है, ये जो जिस तरीके की दलीलें कोर्ट के सामने आ रही हैं उससे साफ नहीं हो पा रहा है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, डेवलपमेंटल जोन है या फिर इको सेंसिटिव जोन है। तो इस तरीके की जब दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उनका यह कहना था कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्टेटस को मेंटेन कर सकती है। तो इससे यह भी समझा जा सकता है कि सरकार ने खुद कहा है कि जितना हो हंगामा हो रहा है इस पर जो है रोक लगाने का तरीका यही है कि आप इसको स्टेटस को मेंटेन कर दीजिए। और इससे हमको अभी जो वो जोड़ना होगा जो रेणु और जो हमारे जो दूसरे सहयोगी मुंबई में मौजूद है उन्होंने जिस बात का जिक्र किया था कि वहां पर लगभग जो 2600 से 2700 पेड़ों के काटे जाने की बात थी वो काम पूरा हो चुका है, और संभवतः इसी वजह से सरकार ने भी कहा कि ठीक है जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाती आप चाहें तो उसको जो है यहीं पर रोक सकते हैं यानी कि स्टेटस को कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि अब यानी कि इस वक्त के बाद से वहां पर एक भी पेड़ की कटाई नहीं होगी और ना ही कोई और गतिविधि होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे कोई आदेश नहीं देता। तो एक तरह से यह जरूर कहा जा सकता है कि मामला अब यहां पर ठहर गया है तब तक के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फर्दर डायरेक्शन या आदेश नहीं आता। अंकित, लेकिन ये तो एक तरह की सांकेतिक जीत हो गई उन प्रदर्शनकारियों की, उन याचिकाकर्ताओं की, जो ये कह रहे हैं कि आरे जंगल कट गए तो मुंबई के फेफड़े कट जाएंगे, फेफड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी कोर्ट से मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि सरकारी वकील को कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोई जानकारी आपके पास इस बाबत? जी बिल्कुल, पहले जो है कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ठीक है ऐसा मत करिए बाद में तय किया जाएगा, लेकिन सबके बीच में एक चीज फिर से अभी जो सुनवाई पर जो और आगे बढ़ी है क्योंकि वहां पर तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि ये जो है जो आरे कॉलोनी का एरिया है ये 3000 एकड़ का है और इसमें से जो सिर्फ ये लिया गया है सिर्फ 2% ही लिया गया है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी आई है, कोर्ट का कहना है कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर पेड़ वहां नहीं कट सकते थे तो फिर नहीं कटने चाहिए थे, ये गंभीर टिप्पणी है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था कि वो स्टेटस को यहां पर जो है आदेश दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे सुनवाई फिर से जो आगे बढ़ी है और उसमें कोर्ट ने जो साफ तौर पर कहा कि मेरा बयान आप ये यहां पर तुषार मेहता ने कहा है कि आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं कोर्ट के रिकॉर्ड पर, जो कटना था कट गया है लेकिन अब आगे कुछ नहीं होगा, यानी कि तुषार मेहता कोर्ट को भरोसा दिला रहे हैं कि आप जो स्टेटस को की बात कर रहे हैं आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर लीजिए कि वहां पर जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सरकार की कोशिश ये है कि सरकार वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां पर स्टेटस को की जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है वो जो आदेश कर दे जिससे कि वो जो वहां पर हो हंगामा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी थम जाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नए तथ्य आए उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। लेकिन इस सबके बीच में अब मुंबई मेट्रो की तरफ से जो वकील मनिंदर सिंह पेश हो रहे हैं वो खड़े हुए हैं, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा किया गया था कि स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही पता चला कि अगर ये जगह जिसको लेकर क्लियरिटी नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर क्लियरिटी नहीं थी तो आपको पेड़ नहीं काटने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट की ये एक अहम टिप्पणी है और ऐसे में अब कोशिश यही है सरकारी वकीलों की कि यहां पर स्टेटस को लग जाए। जी अंकित, क्या होना चाहिए था ये बात तो अब पुरानी हो गई, अब तो बात ये कि क्या हो गया है। और जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल रही है वो ये कि जिस 2700 पेड़ों की लड़ाई हो रही थी, जिसके लिए ये पूरी जद्दोजहद की जा रही थी, दरअसल वो तो कट गए सब पेड़। तो इस मामले में कोर्ट में सरकारी वकील ने कुछ जानकारी दी है क्या? जी कोर्ट में बस उनका इतना कहना था कि हम कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि इसको लेकर के जो भी अब तक रिकॉर्ड अभी जो कोर्ट के सामने मौजूद है उससे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही। जो कोर्ट का सवाल था कि क्या ये फॉरेस्ट जोन है, क्या ये इको सेंसिटिव जोन है, क्या यहाँ पर डेवलपमेंटल काम हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, ये कुछ सवाल थे जो वहां पर जितने वकील मौजूद थे कोई भी क्लैरिटी के साथ में जवाब नहीं दे पा रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर जो तुषार मेहता है वो खड़े हुए, उनका ये कहना था कि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है इसको जो है ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, यानी कि सबसे अहम चीज उनकी तरफ से कहा गया ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है और ना ही ये इको सेंसिटिव जोन है। तो अगर फॉरेस्ट एरिया नहीं है, इको सेंसिटिव जोन नहीं है, तो ये बताने की कोशिश की गई कि वहां पर निर्माण कार्य हो सकता था। और रही बात सरकार की, तो सरकार कि जब यहाँ पर जो पक्ष जो वकील रख रहे हैं वो तो रख ही रहे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी लोगों ने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने एक हवाला दिया था कि जिस तरीके से अगर वहां मेट्रो चलती है तो उससे प्रदूषण स्तर में, ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला दिया था कि प्रदूषण स्तर में कमी आती है। और रही बात पेड़ों की, तो इस तरीके की भी दलील दी जा रही है कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उससे कई गुना पेड़ कहीं और लगाए जाएंगे, जबकि जो पर्यावरण विद है जो दिया जा रहा है। अंकित, मैं चाहती हूं आप लगातार हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको ये दे रहे हैं कि फिलहाल के लिए एक नैतिक जीत आप इसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो याचिकाकर्ता, वो प्रदर्शनकारी, वो पर्यावरणविद जो गए थे कहकर कि आरे के पेड़ किसी भी हाल में नहीं कटने चाहिए, उनको एक राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर। अब इस आदेश के बाद आगे यथास्थिति बनी रहेगी तब तक, और तब तक बनी रहेगी जब तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा, यानी कि अगले आदेश तक एक भी पेड़ आरे का नहीं कटेगा। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो आरे में, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता रेणु। रेणु, कम से कम नैतिक तौर पर तो एक बहुत बड़ी जीत फौरी तौर पर माना जा सकता है उन लोगों के लिए, उन पर्यावरणविद के लिए जो कि लगातार आरे के पेड़ों के लिए खड़े थे। रेणु को मेरी आवाज शायद नहीं आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी रेणु, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और वो लोग जो याचिका लेकर गए, वो लोग जो लगातार हफ्तों से सड़कों में थे मुंबई के, चाहे वो आम आदमी थे चाहे वो खास आदमी थे, उनके लिए क्या वाकई ये बड़ी जीत है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो होना था शनिवार और इतवार को हो गया, जितने पेड़ कटने थे वो सब आधी रात में कट गए। तो अगर वाकई पेड़ कट गए हैं तो फिर ये जो रोक है सुप्रीम कोर्ट की, इससे किसको क्या मिलेगा जब 2700 पेड़ जिनको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट जा रही थी प्रदर्शनकारियों की टीम, क्या वाकई इतने पेड़ कट गए हैं? और अगर पड़ गए हैं तो फिर क्या स्थिति आगे इस पूरे इलाके में होगी? अंकित लगातार हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, एक सच ये भी है कि चाहे पर्यावरण मंत्रालय हो या फिर सरकारी वकील हो, वो बार बार ये दलील दे रहे हैं कि विकास का भी एक पैमाना होता है और उसकी कोई ना कोई कीमत होती है जो हम सबको एक समाज के तौर पर चुकानी होती है। तो फिर अगर ये रोक लग गई है फौरी तौर पर और एक भी पेड़ नहीं कटेगा तो फिर मेट्रो शेड का क्या होगा? जी फिलहाल के लिए मेट्रो का वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्टेट किया है कि हमने सबको सुन लिया है, आरे मिल्क कॉलोनी पहले अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट था लेकिन बाद में उसे ट्रांसफर किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है सॉलिसिटर जनरल से, सरकार से, कि वहां पर कोई पेड़ ना काटा जाए, ये महत्वपूर्ण चीज। और अब मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, मामला फॉरेस्ट बेंच के सामने आएगा। और इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको निजी बॉन्ड पर छोड़ दिया जाए,
तो कुमकुम साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, वहां कोई पेड़ नहीं कटेगा। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको निजी बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, यानी कि 21 अक्टूबर तक उस जगह पर ना कोई कार्रवाई होगी, ना ही किसी तरीके का कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलेगा। और इसका मतलब साफ है कि 21 अक्टूबर तक के लिए उस जगह पर लग गया है स्टेटस को, यानी कि जो यथास्थिति है वो उसी तरीके से बनी रहेगी। मैं आऊंगी अंकित आपके पास, क्योंकि जिस वक्त कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी हमारे संवाददाता निपुण सहगल कोर्ट के अंदर मौजूद थे। निपुण, आपने क्या देखा कोर्ट में, क्या हुआ और सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण बात जो आज कोर्ट से निकल कर आई वो क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने बार बार सभी पक्षों से जानना चाहा कि उस जगह का स्टेटस क्या है। जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो क्या वो जगह जंगल घोषित थी, क्या वो ग्रीन जोन था, क्या वो इको सेंसिटिव जोन था, लेकिन ठीक ठीक ब्यौरा कोई नहीं दे पा रहा था। ऐसे में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो महाराष्ट्र सरकार के लिए पेश हुए थे, उन्होंने सुझाव दिया कि देखिए वैसे भी हमें जो पेड़ काटने की जरूरत थी वहां पर वो काटा जा चुका है, अब आप आगे तय कर लीजिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन हम आश्वासन दे रहे हैं आपको कि अब कोई कटाई वहां पर नहीं होगी, आप आगे इस पर विषय पर सुनवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया और कहा कि अब कोई कटाई वहां पर नहीं होगी, जैसा कि इन्होंने बयान अपना दिया है कोर्ट में। 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट बेंच यानी जंगल से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जो विशेष बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो बैठेगी और आगे इस मामले पर सुनवाई करेगी, लेकिन फिलहाल कोई वहां पर कार्रवाई नहीं होगी पेड़ों की कटाई की या किसी भी तरह की। निपुण, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, बार बार तमाम संवाददाताओं से मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि हमें जितने पेड़ों को काटने की जरूरत थी हमने काट लिया, अब आप लगा दीजिए रोक, तो इसका मतलब तो ये हुआ जो सरकार चाहती थी उसने कर लिया और कोर्ट में जाकर वहां भी भलमनसेयाद दिखा दी कि हाँ हम पर्यावरण के साथ हैं, आप रोक लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो गया। बिल्कुल, इस बात को इस तरह से देखा जा सकता है कि सरकार जो चाहती थी, चूंकि शुक्रवार को आदेश आने के बाद और आज सोमवार को सुनवाई हो रही है मंगलवार को, तो कोर्ट ये कर चुका है, सरकार अपना काम कर चुकी है, पेड़ रातों रात काटे गए हैं तेजी से, इसके बाद ये बयान देना कि हमको और कोई कटाई नहीं करनी है साफ तौर पर दिखाता है कि आप वो कर चुके हैं। हालांकि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और खुद सरकार के पास भी नक्शे को लेकर स्पष्टता नहीं थी, ऐसे में मामला चूंकि अब कोर्ट में है और कोर्ट ये भी तय करेगा कि ये जो कटाई हुई है ये सही हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई, बाद में कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में बन जंगल की कटाई नहीं हो सकती थी, तो वो प्रोजेक्ट रोका जा सकता है और वहां पर दोबारा पेड़ लगाने का आदेश दिया जा सकता है सरकार को। निपुण, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए। कोर्टरूम के अंदर क्या हुआ निपुण ने हमें बताया, कोर्टरूम के बाहर इस तरह से खबरें आई अंकित ने हमें बताई, लेकिन रेणु इस वक्त आरे में मौजूद हैं, आरे की उस कॉलोनी में मौजूद हैं जहां पर लोग हफ्ते भर से सड़कों पर थे। रेणु, तुषार मेहता कोर्ट में कह चुके हैं कि हमें जितने पेड़ चाहिए थे, सरकार को जितने पेड़ काटने चाहिए थे उसने काट लिए हैं, अब कोर्ट रोक लगा दे उसे कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह का मामला जब निकल कर आया है सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि रोक फिर भी लग गई है, आप ग्राउंड जीरो पर क्या देख रही हैं, लोग किस तरह से ले रहे हैं इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के? कुमकुम, अगर जो हम आपको ग्राउंड जीरो का हाल बताना चाहे तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आरे में काटे जा रहे पेड़ पर रोक लगा दी है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे या पर्यावरण प्रेमी हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज को नाराजगी है। इस पर हम से बात करने के लिए एडवोकेट और पर्यावरण प्रेमी हैं गिरीश रावत, उनसे हम जानते हैं इस निर्णय को लेकर। गिरीश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इस पर रोक लगा दी गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसका तो स्वागत करना चाहिए, ये बड़ी राहत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से ये प्रकरण में हैंडल किया है वो बहुत गलत था, उनका तरीका गलत था, उनका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ था, उनका जो उसके रुख था, जिस पर सोचने का ढंग था वो भी गलत था, ऐसा हमारा कहना है। तो जिस प्रकल्प ने अभी तक 30,000 पेड़ मुंबई में काटे, माहिम का मैंग्रोव जंगल जो मैंग्रोव सबसे बायोडाइवर्सिटी और उत्पादकता रखता है धरती पर, वो खत्म कर दिया। बम्बई में टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, इस बरस में पूरी दुनिया में यूनो की अभ्यास के अनुसार मुंबई सबसे प्रदूषित शहर डिक्लेयर हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा कि जिले में 39.6 आरे में जो 2700 पेड़ काटे गए हैं उसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है,
कि जो जो पेड़ काटने से होता है इसको विकास कहना, यही एक बहुत बड़ा गुनाह है। अभी 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 के अभी वो तुरंत ये प्रकल्प को भी स्टॉप करना चाहिए। आप सोच मानते हैं कि जो क्षति होनी थी, हानि होनी थी, वो हो चुका है? अब जब पेड़ काटे जा चुके हैं, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो आपको लगता है कि जो हानि होनी थी वो हो चुकी है? हानि को रिवर्स किया जा सकता है, उसी जगह पर वापस पेड़ लगाए जा सकते हैं जी। और जिस तरह से तरीके से रेणु आप लगातार बने रहे, क्योंकि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से बाहर कुछ वकील आए हैं सामने, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अरे भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे कर लीजिए, नीचे बैठ जाइए, नीचे आ जाइए। संजय जी, आज महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा कि हम और पेड़ नहीं काटेंगे, तो लग रहा है जैसे जितना काटना था काट लिया, आश्वासन दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कोर्ट के आदेश पर? पहले ये कहना चाहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ हैप्पी नवमी टू यू, एंड ऑन नवमी डे इट इज वेरी गुड दैट द सुप्रीम कोर्ट मूव्ड बाय दीज यंग लॉ स्टूडेंट्स has seen fit to record the Solicitor General's statement that there will be no further cutting of trees in the RA forest. Consequent to that, we made a request to the Supreme Court that there should be no further activities in the garb of clearing or cutting the already cut trees. The Supreme Court has therefore been kind enough to say to record the Solicitor General statement that there will be no further cutting and that status quo will be maintained until the next hearing of the case on the 21st of October. We are very grateful to the Supreme Court for its intervention. बहुत बड़ी राहत है मुंबई के लोगों के लिए और उन एक्टिविस्ट के लिए जिन्होंने पर्यावरण को लेकर ये मामला उठाया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या राहत दी है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह सोलिसिटर जनरल साहब का बयान रिकॉर्ड पे ले लिया है कि जो पेड़ काटने थे अब तक कट गए हैं और आगे और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो पेड़ कटे हैं उसके क्लियरिंग के बहाने और कुछ नए पेड़ ना कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगली सुनवाई तक जो यथास्थिति है वही बनी रहे। क्या कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किया है? देखिए, पेड़ और नहीं कटेंगे, यथास्थिति बनी रहे, उसका मतलब साफ है। कंस्ट्रक्शन के काम हो सकते हैं वहां पे या नहीं, इसको लेकर कुछ? यथास्थिति बनी रहे तो जो अब तक पेड़ काटे गए हैं उसी यथास्थिति चलती रहेगी। 21 अक्टूबर तक तो मुझे नहीं लगता है और कुछ होने वाला है। शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरे के जंगल कटेंगे या नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठीक कुछ देर पहले सुनवाई हुई और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर फिलहाल के लिए आरे में पेड़ काटे जाने को लेकर रोक लगा दी है। हालांकि तुषार मेहता, जो उसकी सरकारी वकील है, उन्होंने ये बात मानी कि जितने पेड़ कटने चाहिए थे, जितनी सरकार को चाहिए थे, उतने तो पेड़ कट चुके हैं, आगे उसको चाहिए भी नहीं, सरकार नहीं चाहती कि कोई पेड़ काटे। फिलहाल 21 अक्टूबर तक के लिए रोक है, 21 अक्टूबर को फिर से फॉरेस्ट बेंच के आगे सुनवाई होगी। कुल मिलाकर ये एक जीत है पर्यावरणविद के लिए भी और सरकार को भी, जितने पेड़ कटने थे उसने काट लिए हैं, तो दोनों ही पक्ष एक तरह से इस फैसले को अपने अपने लिए बेहतर मान सकते हैं।